अजय सिंह ने आखिर क्यों कहा कि सिंधिया गलतफहमी में ना रहे, क्या है इसके पीछे की बात, सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश चुनाव पार्टियों ने बड़े नेताओं को टारगेट पर लेते हुए बयानबाजी शुरू कर दी है। अब कांग्रेस से बीजेपी में आए केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस से अजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि सिंधिया गलत फहमी में ना रहे कि उनके कारण कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2018 में ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन पर अजय सिंह ने उन्होंने कहा है कि किसी को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, पिछला चुनाव कांग्रेस ने अपने दम पर जीती थी। आपको बता दें कि इस बार 2018 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, ये बात अजय सिंह ने ग्वालियर चंबल के प्रभार के बाद दौरे पर कही है। आपको बता दें, दरअसल पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने ये बात केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधते हुए कही है। अजय सिंह के कहे मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से चले जाने का असर कांग्रेस पार्टी पर इस चुनाव में नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस चुनाव में 2018 से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन इस बार करने वाली है। बता दें, पूर्व मंत्री अजय सिंह ग्वालियर चंबल के प्रभार के बाद दौरे पर थे। यहां उन्होंने कहा कि उस समय में कांग्रेस पार्टी और उस समय के हालात की वजह से इतनी ज्यादा सीटें आई थी, कांग्रेस की सरकार कांग्रेस के दम पर बनी थी और इस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। अजय सिंह के बयान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।